Hello friends, I welcome you and I thank you for watching my video, and I request you to watch my video till the end. You will like it, I'm sure. आज मैं आपसे दो बच्चों के बारे में बात करूंगी. एक वो जो बहुत अमीर घराने से है, उसका नाम है राहुल और उम्र है 10 साल. वो एक ऊंचे बंगले में रहता है, मोटर है, गाड़ियां हैं, उसका अपना एक अलग कमरा है, तरह तरह के महंगे खिलौने हैं उसके पास अपने कमरे में. और उसी के बंगले की एक तरफ एक बस्ती है जहां पर मोहन रहता है, उसकी उम्र भी 10-11 साल की ही है, जो निम्न परिवार से है. एक दिन राहुल अपने बंगले के बालकनी में खड़े मोहन को अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलते देखता है. वे खूब मज़े कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, खूब हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती में खुश हैं. राहुल अपने खिलौनों से खेल खेल के भी बोर हो चुका है. वह बालकनी में खड़ा मन ही मन उन बच्चों को देख, आपस में मिलकर खेलता देख, अपने अकेलेपन से उदास हो रहा है. एक दिन खूब बारिश हो रही है. मोहन छतरी लिए पैदल पानी से भरे रास्ते से भीगता हुआ, अपनी किताबों को पानी से बचाता हुआ, गड्ढों से भरी सड़क पर मुश्किल से चलता हुआ अपनी स्कूल की तरफ जा रहा है. और उसी की साइड से राहुल अपनी बड़ी सी शोफर ड्रिवन कार में अपने स्कूल जा रहा है. मोहन राहुल की ऐसी शानदार कार में आराम से जाते देख अपनी परिस्थितियों को सोचकर उदास हो रहा है. अब मैं आपसे दोनों के बारे में सोचकर ये जानना चाहती हूँ कि किसकी किस्मत अच्छी है. मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो हमारी किस्मत ख़राब होती है. और जब भी हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास हैं, हम ब्लेस फील करते हैं, हम ग्रेटफुल फील करते हैं जो चीज़ हमारे पास है, तो हमारी किस्मत अच्छी होती है. आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे. आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी बजाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलती रहें, और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. प्रॉमिस यू विल डू दैट. ओके, बाय बाय.